क्या जमाना आ गया है, घर इनका है और साफ मैं कर रहा हूँ। चुप करो और अपना काम करो। अरे मैं भी तो तुम्हारे काम में हाथ बटाता हूँ। अरे कौन सा काम करते हो बताओ तो सही। कमरे में धूल उड़ रही है। कौन है, कौन है? अरे मोटू किसकी आवाज आई? ऐसा लगा जैसे इस लैंप से आई। कहीं इस लैंप में जिन तो नहीं? जिन? तेरे कहने का मतलब है कि मैं इस लैंप को रगड़ूंगा और जिन निकल आएगा? अरे जिन विन कुछ नहीं होता। अब फालतू बातें बंद कर और चुपचाप सफाई करवा। पतलू! अरे ऐसे डर रहे हो जैसे कोई जिन देख लिया हो। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। अरे ताक दिना दिन दिन, ताक दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन, खाली मैं ना बैठूं, काम करूं पूरा दिन, ताक दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। सचमुच हम तुम्हें कुछ भी काम देंगे तुम करोगे? यस बॉस, लेकिन पहले इनसे निपट लूं, इन्हें लगता है जिन विन कुछ नहीं होता। ओके बाय बाय। मान गया मान गया, जिन होते हैं, बचाओ। बॉस मुझे काम दो, काम दो, जल्दी से मुझे काम दो। पहले मेरे दोस्त को वापस लाओ। अभी लो बॉस। सॉरी बॉस, लैंडिंग जरा गलत हो गई। जल्दी से मुझे काम दो। चाहो, अब आएगा मजा जिंदगी का। जिन दोस्त, जल्दी से मेरे ऊपर समोसों की बरसात कर दो। अभी लो बॉस। वेरी गुड। और समोसे, ये थोड़े छोटे हैं, और बड़े समोसे दो। यस बॉस। अरे नहीं, बस करो, अरे बस करो। नहीं बॉस, जब तक इससे समोसे निकल रहे हैं तब तक आपको खाने होंगे। भागो! ये जिन हमारी जान का दुश्मन है, जान प्यारी है तो भागो। ओए मोटू मेरे बड़े भ्रा, मेरे दोस्त, इस तरह घबरा के क्यों भाग रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? डॉक्टर झटका, बड़े भैया हमें बचा लो, एक जिन हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। ओ तबीयत तो ठीक है? ओए जिन विन कुछ नहीं होता है। डॉक्टर झटका ठीक बोलता है, जिन विन कुछ नहीं होता। बॉस मुझे काम दो। तुम कोई जादूगर लगते हो, मैं गधा नहीं जो तुम्हें जिन्न मान लूं। अरे तुम जादू करके हमको बुद्धू बनाता है, हम कोई गधा नहीं है जो तुमको जिन मान ले। तुम दोनों गधे ही हो। ओए, 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 ओ, काम दो। रुक जाओ, रुक जाओ। हम गधों को ठीक करो, हमें इंसान बनाओ। यस बॉस। काम दो, काम दो, जल्दी से कुछ काम दो। अरे ये तो हमारे साथ साथ ही आ रहा है। इससे बचने के लिए तुम आसमान में भागना होगा। जो हुकुम मेरे बॉस। अरे पतलू, ये जमीन पे अचानक इतने बादल कहाँ से आ गए? अरे मोटू, बादल जमीन पे नहीं आ गए, हम बादलों में आ गए हैं। डरो मत बॉस, आप नीचे नहीं गिरोगे। ये कहाँ ले आया हमें? यहाँ ना आदम है
ना आदमजात। जो हुकुम बॉस। अरे कौन सा हुकुम, मैंने कोई हुकुम नहीं दिया। रुको रुको, आपकी इच्छा पूरी हो गई बॉस, आदम और आदमजात सब यहाँ आ गए। अरे जमीन कहाँ गई? अरे भागो! वाह, हवा में चाय की दुकान, पहली बार देख रहा हूँ। चलो गरम गरम चाय पीते हैं। ए भैया, दो चाय देना, दूध रोक के, शक्कर ठोक के, इलायची मार के, अदरक डाल के। हैं? अरे ये क्या भैया? अरे यहाँ! अरे चाय तो दे दो। हेलो, कैसे देंगे? मैं सब्जी बेच रही थी, अचानक से जमीन गायब हो गई। अरे जमीन नहीं गायब हुई है, हम आसमान पे आ गए हैं भैया। अरे ये, अरे बचाओ कोई, अरे कोई तो बचाओ, अरे मन्ना बचा लो। वाह क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है। चिंगम सर, अरे बचाओ। Why fear when Chingam is here? डरो मत, पहले इस मौसम का मजा लो। पहली बार इतने सारे बादल हमारी धरती माँ पे उतर के आए हैं। वाह! चिंगम भाया, बादल धरती माँ पे नहीं उतरे, नीचे देख ले, माँ ही गायब है। भैया माँ! चिंगम सर, हो गई है जमीन, आ गया आसमान, ना खबर है ना पता, तुम कहा हम कहा। हम को भी नहीं पता हम कहा तुम कहा। आई एम ड्रीमिंग, आई एम ड्रीमिंग। जेल ले चलो सर, हमें जेल ले चलो, जेल में डाल के हमें बचाओ, हमें डर लग रहा है। अरे जिन दोस्त, ये क्या कर दिया, सबको वापस ले चलो धरती पे। जो हुकुम बॉस। तुझे सलाम, तुझे सलाम। मुझे मालूम नहीं कि मैं जाग रहा हूँ या आई एम अ ड्रीमिंग, लेकिन अम्मा तुझे सलाम। ओ चिंगम सर, हमारी मदद करो, हमारा सिर ठीक कर दो जी। चिंगम सर, हेल्प हेल्प। आई एम, आज क्या क्या देखना पड़ेगा। आई एम अ ड्रीमिंग, आई एम अ ड्रीमिंग। रुको सर, रुको। हम वापस आ गए। काम दो, काम दो, जल्दी से कुछ काम दो। हमारे दोस्त झटका और घसीटा राम को वापस लाओ जल्दी। जो हुकुम बॉस, क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार, क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार। क्रैश लैंडिंग? ये क्रैश लैंडिंग क्या है? सॉरी बॉस, लैंडिंग प्रॉब्लम है जरा। अरे तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? उरी बाबा, इस जीप ने तो हमारा जान ही निकाल दिया। अरे अब क्यों घास खा रहे हो? ओहो सॉरी, इतनी देर से घास खा कर आदत सी पड़ गई। मोटू कुछ करो, ये तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया सुनो। अरे तुम झूठ बोलता है पातलो, हम ये मानता है कि जीन होता है, लेकिन इतना बड़ा जीन एक लैंप के अंदर से कैसे निकल सकता है? जीन दोस्त, इन्हें अपना लैंप तो दिखा दो जरा।
आप तुम ही सोचो, इतना बड़ा जीन इस लैम में कैसे रह सकता है? इसका तो नाक भी नहीं घुसेगा इस लैम में। आए जीन, तुम भी झूठ बोलता है, शर्म नहीं आता है? लेकिन मैं तो इसी में रहता हूँ। ओए हम तो क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम अंदर जाकर देखो और फिर मैं मानूंगा। अभी लो। अब तो यकीन हो गया। अरे हो गया हो गया, लेकिन अब तुम अंदर ही रहो। बाहर की दुनिया के लिए तुम बहुत ही खतरनाक है। मुझे बाहर निकालो जल्दी। तुमने हमें बहुत परेशान किया है। हम इतने बेवकूफ नहीं कि दोबारा लैम्प को रगड़ के तुम्हें बाहर निकालें। मोटू पतलू झटका घसीटा राम, भागो भागो। थक दिना दिन दिन, ताक दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। खाली मैं ना बैठूं, करू काम पूरा दिन। ताक दिना दिन दिन, ताक दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। अरे हम क्यों भाग रहे हैं? हमने तो कोई चोरी नहीं की। पता नहीं, तू भागा तो मैं भी भाग लिया। वो देखो, जॉन द डॉन भाग रहा है। मोटू, इस स्पीड से काम नहीं चलेगा, कुछ करो। मैं क्या करूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। समोसे। अरे हम जॉन से रेस नहीं लगा रहे हैं, उसे पकड़ना है। स्पीड कम करो। अरे कैसे कम करूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। The name is Chingam, Inspector Chingam. Chingam के चंगुल से बचना impossible. बोले तो impossible. सर, इसने क्या चुराया है? एक आदमी को पुरपुरी नगर में किसी खुदाई में हजारों साल पुरानी एक मूर्ति मिली थी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। ये वो मूर्ति चुरा के भाग रहा था। इस मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपए है? Yes. क्या पूरी नगर में ऐसी और भी मूर्तियाँ होंगी? यस, जरूर होंगी। हम भी खुदाई करेंगे और ऐसी ही मूर्ति ढूंढेंगे। जय हो! ये आइडिया बहुत अच्छा है। फिर हम भी करोड़पति बन जाएंगे और दिन रात समोसे खाएंगे। पूरी पापा, ये दोनों यहाँ इसको दफनाने आया है। दफनाने नहीं, ओए घसीटे, चक्कर कुछ और ही है। चलो पूछते हैं। ओए मोटू मेरे बड़े प्रा, मेरे पाई, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। देखो तुम थक गया है, हम तुम्हारा मदद करने आया है। अभी जल्दी से बोलो खुदाई क्यों करता है। नहीं बताऊंगा। पतलू, अब और नहीं खोदा जाता, मेरी कमर का बुरा हाल है। मेरा भी बुरा हाल है। चलो इनकी मदद ले लेते हैं, सब माल आपस में बांट लेंगे। अच्छा ठीक है, हम तुमको अपना पार्टनर बनाते हैं। नीचे से जो भी प्राचीन काल की मूर्ति मिलेगी उसे बेच के हम करोड़ों रुपए आपस में बांट लेंगे। पूरी पापा, करोड़ों रुपए? हम अभी खुदाई शुरू करवाता है। खुदाई करवाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तुम ये लो और तुम ये लो, चलो खुदाई शुरू करो। और तुम क्या करोगे? अरे हमको खुदाई करवाने का तजुर्बा है, खुदाई करने का नहीं। अरे ये तो दरवाजा है। जय हो! नीचे कुछ तो जरूर मिलेगा। ओए ये तो मोटू पतलू की चीख थी। वो दोनों कहाँ गए?
ये क्या, उनकी टॉर्च तो नीचे पड़ी है। उड़ी बाबा, उनको कोई जानवर खा गया क्या? यहाँ कौन सा जानवर हो सकता है? सुना है जमीन के अंदर अनाकोंडा रहते। बचाओ, बचाओ। अरे हम दलदल में फंसे हैं, हमें खींच के निकालो। पूरी बाबा, दलदल है। आर्य झोटा हमको एनाकोंडा बोल के डरा रहा था। तो मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला? अरे इतना बड़ा जाला कैसे हो सकता है? पतलू आप क्या करें? हम क्या करेंगे, अब तो जो करना है वो मकड़ी रानी ही करेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मकड़ी से बचने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। मोटू तुम जाओ और मकड़ी से लड़ाई करो। मैं और मकड़ी से लड़ू? बचने का तरीका बता रहे हो या ऊपर वाले के पास जाने का? देखो, जब तुम मकड़ी से फाइट करेगा तो वो तुमको खाने लगेगी और मकड़ी अपना शिकार धीरे धीरे खाता है, और मौका देख के हम तीनों बच के भाग जाएंगे। कसम मेरे मरीजों की, मोटू आज दोस्तों की दुनिया में अमर हो जाओगे। हम पुरपुरी नगर में तुम्हारी मूर्ति लगाएंगे। मोटू क्यों जाए, तुम क्यों नहीं जाते? क्योंकि मूर्ति खोजने का आइडिया तुम्हारा था। करोड़ों रुपए तुम्हें भी तो चाहिए थे। हाँ हाँ, सही बोला। शुक्र है उस मकड़ी से पीछा छूटा, अब आराम से मूर्ति ढूंढते हैं। अब ये क्या है, कैसी आवाज है? वो जैसे कोई तेजी से सुरंग में अपनी तरफ आ रहा है। पुरी बाबा, मामूली, एनाकोंडा इज कमिंग, मामा, बचाओ, मामूली। ये एनाकोंडा की आवाज नहीं, ये तो चट्टान है। भागो! अरे ये तो सामने से आ रही है, वापस भागो। अरे ये तो महंगाई की तरह पीछे ही पड़ गई है, भागो! अरे भागो भागो, क्या चिल्ला रहा है, इतनी देर से भाग ही तो रहा है। वो देखो, वहाँ मूर्ति रखी है। जाओ, हम करोड़पति बन गए। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, वहाँ कोई ट्रैप भी हो सकता है। मुझे मूर्ति उतारने का 20 साल का तजुर्बा है, आप भी देखो हम क्या करता है। मोटू पतलू, मूर्ति के पास पहुँच के उसे उतार लेना। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं, हमें पतंग बना दिया। छोड़ो मुझे, उतारो यहाँ से। डॉक्टर झटका, आज पहली बार पतंग उड़ाने में इतना मजा आ रहा है, चलो पेच हो जाए। हाँ हाँ घसीटे, तुमने तो बचपन की याद दिला दी, मूर्ति कहाँ भागने वाली है, चलो पेच लड़ा ले। रोको रोको, क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या, उतारो। नहीं 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 नहीं। अरे रोको, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मूर्ति बेच के एक पैसा नहीं दूंगा। और तेज पिछलो,
पास है? जान बचाने के चक्कर में मूर्ति कहाँ गिर गई? पता ही नहीं चला। शुक्र है हम बच तो गए। मोटू बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, अब क्या करें? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, हम जमीन में ज्यादा नीचे नहीं हैं, ऊपर से छत खोद के जा सकते हैं, लेकिन खोदे कैसे? मैं किस दिन काम आऊंगा? देखो, हमने कोई पुरानी सभ्यता खोज ली। ये देखो, पुराने जमाने का सामान है, हमारी तरह बर्तन, हमारी तरह कपड़े। हाँ, हम किसी के घर में निकले हैं, वो भी हमारी तरह कुर्सियाँ मेज इस्तेमाल करते थे। अरे नहीं नहीं, वो तो पहले ही कोई खोज चुका है, इसका नाम हम सोचते हैं। अरे ये देखो, हजारों साल से मिट्टी में दबी एक फोटो। वाह वाह, ये तो घसीटा राम के किसी पूर्वज की फोटो है। मुबारक हो घसीटा राम, हम तुम्हारे पूर्वज के घर में निकले। अरे ये मेरा पूर्वज का घर नहीं, उसका फोटो नहीं, ये मेरा फोटो है और ये मेरा घर है। तुमने बारूद से उड़ा दिया, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। बचाओ!